सबसे दिलचस्प बात तो श्वेता इसकी टाइमिंग है, ब्रिक्स सम्मेलन जहां रूस और चीन दोनों है, और खास तौर पर चीन जिसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और फिर G20 9 और 10 सितंबर को जब ये तमाम मुल्क आएंगे और भारत की ताकत को देखेंगे, फिर सब भूल जाएंगे मजाक उड़ाना क्या होता है, सिर झुकाएंगे इस देश के सामने जो विश्व गुरु बनने की राह पर इतनी तेजी से बढ़ रहा है सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन से। सोचिए एक चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम तक ले जाना जिससे ज्यादा खर्च पर बॉलीवुड की फिल्म बनी हो। सोचिए Luna 25 रूस का मिशन जो फेल हो गया वो लगभग दोगुने खर्च उस पर हुआ था। जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं, उसके बाद चलेंगे आपको अपनी सहयोगियों के पास लिए चलेंगे जो जश्न मना रहे हैं अलग अलग जगह। कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, भारत अंतरिक्ष अलग अनोखी पहचान बना रहा है, ये पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के चीन का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण माननीय अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की कमाल कर दिया आज भारत के वैज्ञानिकों ने, कमाल कर दिया है। वो जोश, वो जुनून, वो उत्साह और उसी के साथ जो हिम्मत उनकी है उसको देश सलाम कर रहा है। आशुतोष नेहरू तारामंडल और आपके साथ छात्र पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनके माता पिता भी, इस उपलब्धि को शब्दों में बयां करना मुश्किल है लेकिन जोश पर तो बातचीत हो सकती है। बिल्कुल अंजना जी, आपसे सहमत हूँ। सभी वैज्ञानिकों को तो देश की बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई, श्वेता जी को बधाई, पूरे आज तक की टीम को बधाई, हम सभी को बधाई। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इत्तेफाक है कि इसरो पर लैंडिंग तो हो गई और पहला रहेगा। श्वेता जी को मैं सुन रहा था और आपको सुन रहा था, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ बिटिया है, इतने लोग यहाँ पर आए हुए थे कि कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ ऑडिटोरियम मौजूद है। में कहते हैं कि जब बिंदु लग जाता है थोड़ा चंद्र बिंदु तो हो सकता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं, बेटी हो नंगे पांव क्यों हो? बहुत खुशी का पल है, गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी है, हर जगह हिंदुस्तानी आ गए हैं, चाहे वो पानी हो, अंतरिक्ष हो। आज प्रज्ञान ने जो कर दिखाया, के सिवान साहब ने कर दिखाया, बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ से देख रहे थे जो अब 14 दिन तक काम करेगा, मतलब चांद का 1 दिन होगा। अब देखेंगे चंद्रयान 1 ने दिखाया था कि पानी मिला है, चंद्रयान 2 का कनेक्शन हो गया था, वो फिर से चंद्रयान 2 कनेक्ट हो गया। प्रज्ञान का प्रज्ञान से मिलन तो हो ही चुका है, लेकिन अब 2 भांजे अपने 1 मामा के पास जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पर जल्दी से भड़ास निकालिए, क्या कह रहे थे? आजादी के बाद सबसे बड़ा हमारा योगदान अगर इसरो के वैज्ञानिकों का है, ये जश्न आजादी का माहौल से ही ज्यादा बड़ा माहौल है कि विक्रम का साउथ पोल पर उतरना, हम दुनिया के सबसे शक्तिमान देशों में शामिल नहीं हुए, सबसे पहले नंबर पर है। कह रहे थे कोरोना के बाद पहली खुशी। हाँ, ये कोरोना के 3 साल के मायूसी के बाद एक देश में जश्न आजादी का माहौल पैदा हुआ है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये बहुत खुश है। भाई साहब आप कहाँ से हैं, जल्दी से बता। मैं दिल्ली से आया हूँ। जाहिर तौर पर आज तक का जो सबसे बड़ा इतिहास लोग देख रहे हैं, आज तक पे करोड़ों लोग फैन है। आशुतोष जी और अंजना जी लाइव हैं, देश की सबसे बड़ी एंकर है। श्वेता जी देश की सबसे बड़ी एंकर है। आप लोगों ने इतिहास रच दिया आज तक के माध्यम से। मैं वैज्ञानिकों को नमन करूंगा, उनकी पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा और पचकथा जो लिखी है वो वाकई बनने की। श्वेता जी, अंजना जी लगभग सुबह से हमारे साथ आ गए थे और ये सब लोग बड़े बिना पानी पिए, बिना उठ रहे हैं आशुतोष, क्योंकि ये नेहरू तारामंडल में जोश दिख रहा है, बच्चों में जबरदस्त जोश है। लेकिन अभी अभी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस सोमनाथ जो वैज्ञानिक है उनसे बात की है। मैं हिंदी और मूं तो मैं तो ये कहूंगा कि ना केवल हिंदुस्तान ने चांद पर अपनी जगह बनाई है, बल्कि जैसे मैंने अपने आरंभिक समय में कहा था कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है उसको आज हमने छू करके महसूस किया है। और ये संभव हुआ कि यहाँ प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन उस प्रकार के वातावरण में, हमारे वर्क एनवायरमेंट में उस तरह की अनुकूलता नहीं थी। और इसलिए धन्यवाद करना मोदी जी ने, जब
अंतरिक्ष को पुरानी अंतरिक्ष के विभाग को पुरानी बंदिशों से मुक्त किया तो कुछ ही वर्षों के भीतर इस तीव्र गति का क्वांटम जंप हुआ है। और कहां ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज से 60 साल पहले जब विक्रम साराभाई साइकिल के कैरेज पर लॉन्चर चलाया करते थे, और आज हमारा मिशन जाकर के जल के होने का प्रमाण लेकर आता है। और आने वाले समय में देश जो पहले भारत को से अपेक्षा करते थे कि भारत उनका अनुसरण करेगा, वो भारत की अगुवाई में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, और ऐसे अगर देखा जाए तो चौथा देश है। एक बड़ी कामयाबी वो 17 मिनट जिसको कि लेकर के बड़ा उहापोह की स्थिति थी, आप भी जब बैठे हुए थे तब सोच रहे थे कि होगा कि नहीं, लेकिन अब मिशन पूरा हुआ। मुझे लगता है कि अगले 25 वर्ष का जो अमृतकाल जिसका उल्लेख अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और भारत जब एक ऊंचाई की तरफ, उस शिखर पटल की तरफ बढ़ेगा, उसका वो असेंट का सफर आज अंतरिक्ष के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे भी चाहे सूर्य का मिशन हो, गगनयान हो, इस तरीके के आगे भी मिशन भारत के जारी रहेंगे, आगे किस तरीके का प्लान है इस सफलता के बाद? सबसे पहले तो हमारा गगनयान एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आरंभिक एक अनमैन्ड दो मिशन रहेंगी शायद। जबरदस्त खुशी का दिन है, जोश और उत्साह पूरे देश में है, तो खुशियां मनाई जा रही है इसरो में वैज्ञानिकों की सफलता पर। आइए लिए चलते हैं आपको, नेहा हमारी सहयोगी वहां पे मौजूद है और एस सोमनाथ इसरो चीफ उनके साथ है। बिल्कुल अंजना, देखिए जिन इसरो चीफ को आप सुन रहे थे अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरों के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, वो यहां पर इस वक्त खुद मौजूद हैं मंच पर, और वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये स्पेस मिशन चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ है तो वैज्ञानिकों के बीच किस तरह की कौतूहल है, किस तरह के जज्बात है, किस तरह के इमोशंस है, उसके बारे में यहां पर सोमनाथ जी जानकारी दे रहे हैं। और हमने देखा था कि कैसे अब से कुछ ही देर पहले आप दिखा भी रही थी कि प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत की, फोन पर बधाई भी दी, लेकिन ये दरअसल वो शख्स है जो सीवान के बाद इस बार पूरे फोकस में थे, ये केंद्र में थे, इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार कैसे ये 14 दिन बेहद क्रूशियल हैं इसरो के लिए, और वो जानकारी भी दे रहे थे तमाम मीडिया को और दूसरे अन्य लोगों को कि कैसे इस बार का ये मिशन इसरो के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बनने वाला है। और आज वो माइलस्टोन कैसे इस शख्स और उसकी पूरी टीम ने अचीव किया है, ये पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है, और इस बात का डंका खुद जोहान्सबर्ग में बैठे हुए प्रधानमंत्री की ओर से हमने सुना और देखा कि कैसे उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश देते हुए कहा कि नाउ इज द मोमेंट, नाउ इज द टाइम टू लर्न एंड नाउ That India has achieved, यानी कि अब जब इंडिया ने ये मिशन अचीव कर लिया है चंद्रयान 3 के जरिए, हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए मैन ऑफ द मोमेंट अभी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी वो एड्रेस कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि कौन कौन से पास, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक के पास है। आइए दर्शकों को सुनाते हैं एस सोमनाथ जो इसरो चीफ है, फौरन जैसे ही कामयाबी मिली, सफलता मिली, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से बातचीत की है, सुनिए। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार जी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।